स्वागत है आपका। वक्त हो गया है फैक्ट चेक का। मैं हूं आपके साथ निशा बाजवा चौधरी। स्पीड के दौर में सोशल मीडिया फास्ट है, तस्वीरें और वीडियोस वायरल होने में देर नहीं लगाते, कुछ तो आप भी फॉरवर्ड करने में देर नहीं करते बिना ये जाने कि इस तस्वीर या वीडियो की हकीकत क्या है, क्या ये सच है या फिर झूठ। किसी भी तस्वीर या वीडियो का फैक्ट चेक बेहद जरूरी है। जरूरी इसलिए कि बिना सोर्स ढूंढे सच्चाई जाने सही या गलत तक पहुंचना समझदारी नहीं। ऐसे ही वायरल खबरों की हम करेंगे पड़ताल और आपको बताएंगे हर खबर का पूरा सच। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चल रहा है। कभी इसकी लिस्ट जारी की जा रही है तो कभी ओमिक्रॉन को लेकर जोक बनाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है। इस पोस्ट पर लिखा है द ओमिक्रॉन वेरिएंट। वायरल पोस्ट को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह फिल्म 1963 में बनाई गई थी। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में ओमिक्रॉन वायरस के अटैक की कहानी है। सच क्या है, आइए जानते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने महामारी से उबरती दुनिया को फिर से नई चिंता की वजह दे दी है। आम से लेकर खास तक ओमिक्रॉन को लेकर हर जानकारी, ताजा से ताजा अपडेट, वेरिएंट को रोकने के लिए एहतियात, हर सरकार अपने देश को ओमिक्रॉन अटैक से बचाने में जुटी है। लेकिन इधर सोशल मीडिया पर ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर कुछ और ही चल रहा है। इन दिनों सोशल मीडिया पर 1963 में आई एक फिल्म का पोस्टर वायरल हो रहा है। इंटरनेट पर इन दिनों ओमिक्रॉन नाम की एक फिल्म का पोस्टर काफी शेयर किया जा रहा है। लोग अब इसे नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के साथ जोड़कर देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि दुनिया में ओमिक्रॉन खबर नाम नया नहीं है। ऐसे वायरस को लेकर इस तरह की जानकारी शेयर करने से पहले एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि ये कोरोना महामारी है जो किसी की सगी नहीं है। फैक्ट चेक टीम ने इस पोस्टर का सच क्या है जानने के लिए पड़ताल शुरू की, रिवर्स सर्च किया, कीवर्ड सर्च किया, वायरल तस्वीर की पूरी डिटेल में जाएं। उसके पहले फैक्ट चेक टीम ने जो निष्कर्ष निकाला वो ये कि किसी तस्वीर के साथ छेड़छाड़ कर उसे द ओमिक्रॉन वेरिएंट नाम दे दिया गया है। फैक्ट चेक टीम को वो पोस्टर भी मिला जिस पर एक फिल्म का नाम फेज 4 लिखा है। ये फिल्म 1974 में रिलीज हुई थी। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप दो एक जैसे दिखने वाली तस्वीरें देख रहे हैं। ये दोनों तस्वीर एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती हैं कि धोखा खा जाना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यह मामला कुछ ज्यादा उलझा हुआ लगा, क्योंकि जांच में आगे सामने आया कि द ओमिक्रॉन नाम की कोई फिल्म कभी बनी ही नहीं। फैक्ट चेक टीम को एक दिन एक यूजर का ट्वीट मिला। ये ट्वीट 1 दिसंबर 2021 का है, जिसमें ये सफाई दी गई है कि ये हमने तैयार किया है फोटोशॉप के जरिए, इस जोक को आप सीरियसली नहीं लें। फैक्ट चेक टीम ने अपनी तलाश में वायरल पोस्टर के ओरिजिनल वर्जन को ढूंढ निकाला। ये तस्वीर एक स्पेनिश वेबसाइट पर मिली। फिल्म का नाम स्पेनिश में लिखा है। एक बार फिर ये दोनों पोस्टर एक साथ देखिए और फर्क पहचानिए। स्पेनिश भाषा की इस फिल्म की कहानी है रेगिस्तानी चींटियों के स्थानीय लोगों पर अटैक की, यानी इस फिल्म की कहानी भी किसी वायरस से नहीं जुड़ी। हालांकि पोस्टर पर लिखे एक वाक्य को जिसका हिंदी में अनुवाद होगा कि वो दिन जब जमीन कब्रिस्तान में बदल जाएगी, लोग इस लाइन को देखने की सलाह दे रहे हैं। कई बड़ी हस्तियां इसे सोशल मीडिया पर शेयर भी कर चुकी हैं। फैक्ट चेक टीम को सर्च में जानकारी मिली कि ओमिक्रॉन नाम से अब तक दो फिल्में बन चुकी हैं। पहली ओमिक्रॉन जो 1963 में आई थी, और दूसरी द विजिटर फ्रॉम प्लैनेट ओमिक्रॉन जो 2013 में रिलीज हुई थी। लेकिन इन दोनों फिल्मों का संबंध किसी भी महामारी से नहीं था। ओमिक्रॉन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये ग्रीक अल्फाबेट है। कोरोना वेरिएंट्स का नाम तय करते वक्त उसे ग्रीक अल्फाबेट में ही नाम देते हैं। लिहाजा ओमिक्रॉन शब्द पहले से ग्रीक भाषा में मौजूद है, उस पर बवाल क्यों? ये वक्त ओमिक्रॉन को पटखनी देने का है, सोशल मीडिया पर एक दूसरे को कोसने का नहीं, क्योंकि चिंता जरूरी है, डरना मना है। ज्योति द्विवेदी के साथ फैक्ट चेक टीम, गुड न्यूज टुडे। रनवे पर प्लेन को धक्का दे रहे यात्रियों का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो को भारत का बताकर यूजर्स भारत की व्यवस्था पर तंज कस रहे हैं, जबकि ये वीडियो भारत का है ही नहीं। फैक्ट चेक टीम ने इसकी पूरी पड़ताल की और उस पड़ताल में सामने आया ये सच। रनवे पर प्लेन को धक्का देने वाला ये 25 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
वीडियो को शेयर करने वाले यूजर्स इसे भारत की घटना बता रहे हैं और इस वीडियो को लेकर यूजर्स तरह तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं। दरअसल इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग रनवे पर खड़े एक विमान को धक्का देकर रनवे से हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दूसरे प्लेन की लैंडिंग हो सके। इस वीडियो में जो कुछ दिखाया गया है वो पूरी तरह से सच है, लेकिन ये सच नहीं है कि ये वीडियो भारत के किसी एयरपोर्ट का है। वहीं इस वीडियो का पूरा सच जाने बगैर यूजर्स इसे भारत का बताकर अलग अलग टिप्पणियों के साथ शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने वायरल वीडियो के आर्काइव लिंक को शेयर करते हुए लिखा कि और कितने दिन चाहिए और कितना विकास चाहिए, हवाई जहाज भी जबरदस्ती से चल रहे हैं। फैक्ट चेक टीम ने जब इस वीडियो की पड़ताल करनी शुरू की तो असली तस्वीर सामने आई। वायरल वीडियो को रिवर्स सर्च करने पर एक वेबसाइट पर 2 दिसंबर को प्रकाशित रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में वायरल वीडियो के स्क्रीनशॉट को रिपोर्ट के फीचर इमेज के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। नेपाल के स्थानीय समाचार पोर्टल nepalnews.com की वेबसाइट पर भी इस बारे में 2 दिसंबर को एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिससे पता चलता है कि वीडियो नेपाल का है, भारत का नहीं। रिपोर्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक ये घटना नेपाल के एक एयरपोर्ट की है, जब रनवे पर एक विमान के खराब होने की वजह से दूसरे प्लेन की लैंडिंग नहीं हो पा रही थी। तब यात्रियों ने एयरपोर्ट के सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मिलकर रनवे पर खड़े विमान को धक्का देकर वहां से हटाया। नेपाल के एक फेसबुक यूजर अरुण तमंग ने भी अपने प्रोफाइल से 1 दिसंबर को इस वीडियो का लिंक शेयर किया है, जिसमें से नेपाल के एक एयरपोर्ट की घटना बताया है। अरुण तमंग ने वीडियो में नजर आ रहे विमान को तारा एयरलाइंस का बताया, जो कि वीडियो में नजर आ रहे विमान पर भी लिखा हुआ दिख रहा है। वीडियो की पूरी सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने तारा एयरलाइंस की वेबसाइट को भी खंगाला और वहां मालूम पड़ा कि तारा एयरलाइंस नेपाल की घरेलू विमानन कंपनी है, जो नेपाल का सबसे बड़ा एयर नेटवर्क चलाती है। आप देख सकते हैं कि कंपनी की वेबसाइट के होम पेज पर जिस विमान की तस्वीर दिखाई दे रही है, ये वही विमान है जो वायरल वीडियो में दिख रहा है। ट्विटर पर भी कई यूजर्स ने इस वीडियो को नेपाल का बताते हुए शेयर किया है। ट्विटर यूजर रूटीन ऑफ नेपाल बंदा ने इस वीडियो को नेपाल के बजूरा एयरपोर्ट का बताते हुए अपनी प्रोफाइल से शेयर किया है। तो कुल मिलाकर इस वीडियो की ऑनलाइन फैक्ट चेक में ये बात निकल कर सामने आई कि वायरल वीडियो नेपाल के बजूरा एयरपोर्ट पर तारा एयरलाइंस के विमान के खराब होने की घटना से संबंधित है, जिसे यात्रियों ने सुरक्षा कर्मियों के साथ मिलकर हटा दिया था। फैक्ट चेक टीम, गुड न्यूज टुडे। सोशल मीडिया पर मशहूर फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत रे की तस्वीर वायरल की जा रही है, जिसको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि तस्वीर 1953 में ली गई थी। आखिर वायरल हो रही तस्वीर की सच्चाई क्या है, इसकी पड़ताल हमारी फैक्ट चेक टीम ने की है। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये तस्वीर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल तस्वीर के साथ दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीर बॉलीवुड के दिवंगत फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की है, जो एक शानदार एस्टन मार्टिन कार के साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीर को कई लोग ये कहकर शेयर कर रहे हैं कि तस्वीर में दिख रहे दिवंगत फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की ये तस्वीर 1953 में खींची गई थी। एक ट्विटर यूजर ने वायरल तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा, रे बिफोर बॉन्ड 1953, और तस्वीर के अंदर लिखा था सत्यजीत रे। हमारी फैक्ट चेक टीम ने वायरल तस्वीर की पड़ताल करने का फैसला किया। क्या वाकई में ये तस्वीर 1953 में खींची गई थी और एस्टन मार्टिन कार के साथ सत्यजीत रे पोज दे रहे हैं? सत्यजीत रे की गिनती महान हस्तियों में होती है। 1992 में सत्यजीत रे को भारत रत्न से भी नवाजा गया। सत्यजीत रे ने अपने निर्देशन से पश्चिम की फिल्मों को भी प्रभावित किया। ऐसे में इस महान हस्ती की कोई भी तस्वीर इनके फैंस के लिए काफी मायने रखता है। हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। इस इमेज को गूगल रिवर्स इमेज टूल की सहायता से सर्च किया, जिसमें ये तस्वीर गेटी इमेजेज पर मिली। मगर इस तस्वीर में सत्यजीत रे नहीं बल्कि हॉलीवुड एक्टर शॉन कॉनरी थे। साथ ही तस्वीर के साथ जो डिस्क्रिप्शन लिखा था उसके अनुसार तस्वीर 1953 नहीं बल्कि 1964 की है। हमें शॉन कॉनरी की ये तस्वीर theguardian.com की एक फोटो गैलरी में भी मिली। वायरल तस्वीर और असली तस्वीर में अंतर साफ साफ देखा जा सकता है।
हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि ये तस्वीर एडिटेड है। असली तस्वीर में दिवंगत फिल्म निर्माता सत्यजीत रे नहीं हॉलीवुड एक्टर शॉन कॉनरी थे, जो गलत दावे के साथ वायरल किया गया। फैक्ट चेक टीम, गुड न्यूज टुडे। सोशल मीडिया पर शेयर करने से पहले कंटेंट की जांच करना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो जानकारियां साझा की जाती हैं उनमें कई ऐसी खबरें भी होती हैं जो महज अफवाह होती हैं, उनका सच्चाई से कोई लेना देना होता ही नहीं। अभी राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर एक खबर वायरल की जा रही है कि अब की बार अगर आपने वोट नहीं किया तो आपके अकाउंट से 350 रुपये कट जाएंगे, यानी वोट नहीं देने पर जुर्माना लगेगा आपको। फैक्ट चेक टीम ने इस खबर की पड़ताल की और फिर जो सामने आया वो आपके सामने रख रहे हैं। चुनावी मौसम में सोशल मीडिया पर चुनावी खबरें भी खूब वायरल हो रही हैं। अफवाहों का बाजार ऐसा गर्म है कि बेहद सावधानी की जरूरत है, क्योंकि सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घटी। सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से शेयर की जा रही अखबार की इस कतरन पर जो कुछ लिखा है, पहले उसे आपको साफ साफ पढ़कर सुना देते हैं। बधाई हो, नहीं दिया वोट तो अकाउंट से कटेंगे 350 रुपए, आयोग। अब खबर के सब हेडर पर गौर कीजिए, चुनाव आयोग ने कोर्ट से पहले ही ले ली है मंजूरी। इतना ही नहीं, जरा और नीचे दाएं साइड पर देखिए, जहां लिखा है अकाउंट नहीं है मोबाइल रिचार्ज से कटेगा पैसा। फेसबुक और ट्विटर पर अखबार की ये कटिंग बहुत वायरल हो रही है। कुछ लोगों ने इस कथित नियम की आलोचना करते हुए लिखा है कि तानाशाही का शासन शुरू हो गया। फैक्ट चेक टीम ने अखबार की पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने जिन सवालों की तलाश की वो थे, ये किस अखबार की कतरन है, ये अखबार किस तारीख को छपी थी, अखबार में छपी खबर का सोर्स क्या है। फैक्ट चेक टीम ने रिवर्स सर्च किया, कीवर्ड सर्च शुरू हुआ और आखिरकार उस लिंक पहुंचने में हमें कामयाबी मिल ही गई जहां पहली बार ये खबर छपी थी। खोजने पर नवभारत टाइम्स की 23 मार्च 2019 की खबर मिली। इस खबर में वायरल हो रही अखबार की कटिंग पर सफाई दी गई थी। अखबार ने लिखा था कि ये एक मजाकिया खबर थी जिसे 21 मार्च 2019 को होली स्पेशल में छापा गया था। चुनाव आयोग ने इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया है। अखबार ने इसके लिए खेद भी व्यक्त किया था। अखबार ने इस खबर के आखिर में बुरा ना मानो होली है लिखा था, जिससे इसे व्यंग समझा जाए, लेकिन कई लोगों को इस खबर के सच होने का भ्रम हो गया। इस खबर को लेकर फैक्ट चेक टीम को चुनाव आयोग के प्रवक्ता का हाल ही का एक ट्वीट भी मिला, जिसमें वायरल कटिंग को फेक न्यूज बताया गया है। इस भ्रामक खबर का खंडन चुनाव आयोग ने मार्च 2019 में ही किया था, जब ये खबर मजाक के तौर पर छापी गई थी। पड़ताल पूरी करने के बाद फैक्ट चेक टीम इस नतीजे पर पहुंची कि होली के मौके पर मजाक के तौर पर लिखी खबर को कुछ लोगों ने सच मान लिया। 3 साल पहले की मजाकिया खबर को अब कुछ लोग शेयर कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इस खबर के किसी आदेश से चुनाव आयोग का कोई लेना देना नहीं है। ये खबर पूरी तरह से भ्रामक और गलत है। अर्जुन डियोडिया के साथ फैक्ट चेक टीम, गुड न्यूज टुडे। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। ये किसी स्कूल की तस्वीर है जिसकी छत बीच से ही टूट गई है। दावा किया जा रहा है कि टूटी हुई छत वाली तस्वीर गुजरात के एक स्कूल की है। फैक्ट चेक टीम ने जब इस दावे की पड़ताल की तो मामला कुछ और ही निकला। देखिए, देखकर किसके मुंह से आने ही निकलेगी। स्कूल की दुर्दशा की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर भी हो रही है। सवाल पूछा जा रहा है कि जब स्कूल की हालत ऐसी है तो देश में शिक्षा का भविष्य कैसा होगा। वाकई ऐसी तस्वीरें सोचने को मजबूर करती हैं। तस्वीर के साथ कैप्शन गया है कि गुजरात सरकार ने सोलर पावर स्कूल खोला है, लेकिन क्या सच इतना ही है। फैक्ट चेक टीम ने सवालों का जवाब ढूंढना शुरू किया। पहला सवाल, क्या ये तस्वीर सच में ऐसी है या फोटो के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है। दूसरा सवाल, ये तस्वीर गुजरात की बताई जा रही है, लेकिन क्या इसका लोकेशन वाकई गुजरात है। तीसरा सवाल, इस तस्वीर का आखिर पूरा सच है क्या। फैक्ट टीम ने इस तस्वीर की सच्चाई की पड़ताल शुरू की, जिसके लिए
दो टेस्टेड एंड ओके सर्च का इस्तेमाल किया गया, रिवर्स सर्च और कीवर्ड सर्च। फैक्ट चेक टीम को ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि यह तस्वीर पूरा निकली। कीवर्ड सर्च में सामने आया कि जोगिंदर सिंह रावत नाम यूजर ने ये फोटो 9 मार्च 2018 को शेयर की थी। फोटो के सबसे निचले हिस्से साफ साफ लिखा है कि यह तस्वीर अगर उत्तराखंड के लोगों के दिलों को नहीं झकझोरती तो आप पलायन करते हैं। जोगिंदर सिंह की पोस्ट तस्वीर गुजरात की किसी स्कूल की नहीं बल्कि उत्तराखंड किसकी है, क्योंकि तस्वीर पर ही लिखा है कि तसल के खटोली गांव का प्राइमरी स्कूल। फैक्ट चेक टीम के सामने सवाल ये था कि अगर तस्वीर उत्तराखंड की है तो स्कूल की दुर्दशा को लेकर अब तक सरकार ने क्या इंतजाम किया है? यह स्कूल की हालत अब भी टूटी छत वाली है। इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए फैक्ट चेक टीम ने फोन घुमा सीधे जोगिंदर सिंह रावत को, जिन्होंने अपने सहयोगी चंदन सिंह के साथ मिलकर कुछ तस्वीरें स्कूल की भेजी। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर, चौथी तस्वीर, खटोली के मानीला स्कूल की ये तस्वीरें हाल फिलहाल की हैं, जिसे देखकर लगता है कि टूटी छत वाली स्कूल की ये तस्वीर भले ही सोशल मीडिया पर 4 साल से घूम रही हो लेकिन स्कूल की हालत ज्यों की त्यों है। इसमें कहीं कोई मरम्मत की जरूरत नहीं समझी गई। जबकि तस्वीर भेजने वाले चंदन सिंह ने फैक्ट चेक टीम को बताया कि गांव के लोग कई बार प्रशासन और सरकार से अपील कर चुके हैं। फैक्ट चेक टीम की पड़ताल में शीशे की तरह साफ हो गया कि डर दिख रहे की तस्वीर गुजरात की नहीं बल्कि उत्तराखंड के खटोली की है। ये खबर पूरी तरह से भ्रामक है। ऑडियो के साथ फैक्ट चेक टीम, गुड न्यूज टुडे। सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि ये यूपी की टीईटी परीक्षा के उम्मीदवारों की है, जो रात भर सर्दी में खुले आसमान के नीचे सोए लेकिन सुबह हुई तो पता चला कि परीक्षा रद्द हो गई है। फैक्ट चेक टीम ने जब इस फोटो की सच्चाई की पड़ताल की तो पता चला कहां का ईंट कहां का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। देखिए, सोशल मीडिया किस बात पर उबल पड़े समझना मुश्किल नहीं, कभी कभी नामुमकिन हो जाता है। इस फोटो को गौर से देखिए, ये लोग खुले आसमान के नीचे सोए हैं सर्दी में ठिठुरते हुए। कौन है ये लोग, कहां से आए हैं और क्यों इस कदर खुद को तकलीफ दे रहे हैं? भला क्या मजबूरी है कि कड़ाके की सर्दी में इस तरह सोने की? वायरल फोटो को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये लोग उत्तर प्रदेश के वो अभ्यर्थी हैं जो रात भर खुले आसमान के नीचे सोए और सुबह उठे तो पता चला कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टीईटी रद्द हो गई है, प्रश्न पत्र लीक हो गया। फैक्ट चेक टीम ने इस फोटो को कई बार रिवर्स सर्च किया, कीवर्ड सर्च किया, तब कहीं जाकर उत्तर प्रदेश सरकार का ऑफिशियल फैक्ट चेक हैंडल मिला, जिस पर साफ साफ अक्षरों में वायरल तस्वीर पर अंकित था, गुमराह ना हो, ये फोटो यूपी टेट अभ्यर्थियों की नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूपी टेट के अभ्यर्थियों की फर्जी फोटो वायरल की जा रही है, ये फोटो यूपी टेट अभ्यर्थियों की नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने से बचें, गलत सूचना प्रसारित करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। फैक्ट चेक वाले इस हैंडल से हालांकि वायरल फोटो की पूरी डिटेल नहीं मिली, लेकिन एक यूजर का ये कमेंट मिल गया कि लखनऊ में राजस्थान के बेरोजगार प्रियंका गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कमेंट का सिरा पकड़ फैक्ट चेक टीम राजस्थान के बेरोजगारों के प्रदर्शन वाली दूसरी तस्वीरें सर्च करनी शुरू की और धीरे धीरे सच सामने आने लगा। एक यूजर ने फोटो के साथ ट्वीट किया कि ये डराने वाली तस्वीर लखनऊ की है, राजस्थान के बेरोजगार प्रियंका गांधी से मिलने के लिए कड़ाके की सर्दी में सड़क पर रात गुजार रहे हैं। फैक्ट चेक टीम ने कीवर्ड सर्च में ऐसे आर्टिकल तलाश लिए। यहां एक आर्टिकल में एक तस्वीर मिली जो राजस्थान के बेरोजगारों के प्रदर्शन की है। हालांकि इस तस्वीर में लोग सोए हुए नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड इन दोनों तस्वीरों में एक जैसा लग रही है। फैक्ट चेक टीम को अखबारों की कतरने भी मिली जो राजस्थान के बेरोजगारों के प्रदर्शन की हैं। फैक्ट चेक टीम को सर्च में राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष
सतीश पुनिया का वो ट्वीट भी मिला जिसमें वायरल फोटो हूबहू तो नहीं लेकिन बिल्कुल वैसे ही दिखती मिली। सतीश पुनिया ने ट्वीट किया है कि ये राजस्थान के बेरोजगार युवा हैं जो ठंड में लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय के बाहर अपनी वाजिब मांगों के लिए धरने पर हैं। उत्तर प्रदेश में धरना खेलने वाले राहुल जी और प्रियंका जी अशोक गहलोत जी को निर्देशित करें। मिलती जुलती तस्वीरों का हवाला देकर अब तक साफ हो चुका था कि वायरल फोटो यूपी टेट के अभ्यर्थियों की नहीं है, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था कि वायरल फोटो की तरह कोई दूसरी फोटो अब तक क्यों नहीं मिली। फैक्ट चेक टीम की जांच में ये सवाल भी हल हो गया। फैक्ट चेक टीम को एक न्यूज रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल तस्वीर चिपकी हुई दिखी। लिखा है, हम सड़क पर ही मर जाएंगे, कड़ाके की सर्दी में खुले आसमान के नीचे तड़पते रहे, प्रियंका गांधी से मुलाकात करने पहुंचे राजस्थान के बेरोजगार। जब सच सामने आया तो कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा कहा ये फोटो राजस्थान के बेरोजगारों की है, लेकिन चूंकि बेरोजगारी का मुद्दा कांग्रेस उठा रही है इसीलिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। योगी सरकार पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन फैक्ट चेक टीम को इस सियासी बयानबाजी और नफा नुकसान की सियासत से कोई वास्ता नहीं। हमारा मकसद वायरल फोटो का सच जानने का है, जिसके मुताबिक वायरल फोटो यूपी टेट के अभ्यर्थियों की नहीं है, राजस्थान के बेरोजगारों की है जो लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने पास के ही इको गार्डन में भेज दिया जहां ये फोटो क्लिक की गई, लेकिन रायता फैलाने की आदत वाले एक यूजर ने इसे अलग सुरताल देकर पोस्ट कर दिया और कई लोगों ने बिना विचारे इसे शेयर किया, जो बिल्कुल गलत है। फैक्ट चेक टीम, गुड न्यूज टुडे। अखबार की कतरन के सहारे सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए अलग से शराब की दुकानें खोलने जा रही है। फैक्ट चेक टीम ने जब इस खबर की पड़ताल की तो पता चला कि मामला कुछ और ही है। अखबार की ये कतरन सोशल मीडिया पर वायरल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए अलग से शराब की दुकानें खोली जाएंगी। दावे के साथ सबूत के तौर पर लोग अखबार की ये खबर शेयर कर रहे हैं, जिसका कैप्शन है, महिलाओं के लिए अलग से शराब दुकान खोलेगी सरकार। खबर में अंदर लिखा है कि इस योजना की शुरुआत भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर से की जाएगी। एक फेसबुक यूजर ने इस खबर को पोस्ट करते हुए बीजेपी पर तंज कसते हुए कैप्शन दिया है, और कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा सरकार काम नहीं करती। फैक्ट चेक टीम ने वायरल फोटो की सच्चाई की पड़ताल शुरू की। टीम की नज़र सबसे पहले इस कटिंग के इस हिस्से पर पड़ी जहां लिखा हुआ है पीपल्स ब्यूरो भोपाल। सर्च करने पर पता चला कि यह खबर 28 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश के अखबार पीपल्स समाचार में छपी थी। 28 फरवरी 2020 को शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता थे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ थे। शिवराज ने तब इस कथित योजना को लेकर एक ट्वीट के जरिए कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा था। पहले शिवराज सिंह चौहान का ये ट्वीट देखिए, फिर वायरल फोटो की पड़ताल आगे बढ़ाएंगे। मेरे दिल की बात कवि कुमार विश्वास ने कह दी, हनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है, हया को शर्म को आखिर सियासत बेच देती है, निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आंखों पे चढ़ जाए तो फिर औलाद पुरखों की विरासत बेच देती है। हालांकि इस खबर को लेकर उस वक्त सूबे की कांग्रेस सरकार ने इसका खंडन किया था। उस समय की मध्य प्रदेश सरकार में आबकारी मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने इसे अफवाह बताया था। कहा गया था कि महिलाओं के लिए अलग से शराब की दुकानें खोलने की कोई नीति नहीं बनाई गई है। साफ है कि सोशल मीडिया पर महिलाओं के लिए एमपी में अलग से शराब की दुकानें खोले जाने की जो खबर वायरल है वो हाल फिलहाल की नहीं बल्कि फरवरी 2020 की है। यही नहीं, मध्य प्रदेश की वर्तमान शिवराज सरकार ने भी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। पड़ताल के दौरान एक फेसबुक पोस्ट के जरिए हमें पता चला कि हाल ही में भोपाल के एक समाज सेवक जकी अहमद ने एमपी में महिलाओं के लिए शराब की दुकानें खोले जाने की खबर को लेकर एक आरटीआई दाखिल की थी। एमपी के आबकारी विभाग ने इसके जवाब में बताया है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव विभाग के पास नहीं आया है। साफ है कि महिलाओं के लिए अलग से शराब की दुकानें खोले जाने की यह खबर करीब 1.5 साल पहले आई थी, जब कमलनाथ एमपी के मुख्यमंत्री थे। उस वक्त भी सरकार ने इसका खंडन किया था। इस पुराने खबर को अब हाल फिलहाल का बताते हुए एमपी की शिवराज सरकार पर तंज कसा जा रहा है। फैक्ट चेक टीम की पड़ताल में ये खबर पूरी तरह फर्जी साबित हुई है।
ज्योति द्विवेदी के साथ फैक्ट चेक टीम, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब देख लेते हैं वायरल वर्ल्ड में आजकल क्या क्या वायरल हो रहा है। फैन बना देने वाला वीडियो। इंस्टाग्राम पर आए दिन हमें ऐसे वीडियोस देखने को मिलते हैं जो काफी रोचक होते हैं। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए। वीडियो में डांस कर रही लड़की का नाम मोना सुब्बा है। मोना को डांस करना बेहद पसंद है और वो इंस्टाग्राम पर अपने डांस रील्स को अपलोड करती रहती है। मोना की मस्खरी वाली अदाओं को लोग काफी पसंद करते हैं। सोशल मीडिया पर मोना के फॉलोअर्स भी कम नहीं है। आपने भी अपने घरों में बच्चों को सीढ़ियों पर फिसलते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी एक बंदर को ऐसा करते देखा है? नेचुरल वर्ड्स नाम के इंस्टा हैंडल से अपलोड किए इस रील में आप देख सकते हैं कि ये बंदर कैसे मस्ती भरे अंदाज में सीढ़ी से फिसल रहा है। वीडियो के बैकग्राउंड में बड़ा ही मजेदार गाना इट्स माय लाइफ भी बज रहा है, जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। बच्चे की हैरान कर देने वाली तैराकी। इतने छोटे बच्चे को आपने शायद ही स्विमिंग करते देखा होगा। वायरल हो रहे इस वीडियो में ये नन्ही बच्ची अपने माँ के साथ पानी के अंदर अटखेलियाँ करती नजर आ रही है। पहले तो इस क्यूटी ने अपने माँ की उंगलियों को पकड़कर पानी में गोता लगाया और फिर खुद ही तैरने लगी। वीडियो में बच्ची के साहस और मस्ती के मूड को यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं। ऐसी कलाबाजी आपने नहीं देखी होगी। बाइक और साइकिल के साथ स्टंट करते आपने कई लोगों को देखा होगा। कई बार जान जोखिम में डालकर भी लोग स्टंट करते हैं। अब इसी वीडियो को देखें। इसमें साइकिल के साथ अलग ही लेवल का स्टंट करते हुए इस शख्स को देखकर आप दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बच्चे की चाल तो देखो। बचपन बड़ा ही बेफिक्र होता है, ना किसी की चिंता ना किसी बात का डर। ये बालक बड़े ही शान से सामने खड़े कुत्ते को देखकर उसकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ये क्या, जैसे ही वो कुछ दूर चलता है सामने खड़ा कुत्ता उसकी तरफ आने लगता है, जिसे देखते ही ये बच्चा वापस कैमरे की तरफ डरकर दौड़ लगा देता है। वैसे भी बच्चों को जानवरों के साथ खेलना काफी पसंद होता है और इस वीडियो को देखने के बाद आपके चेहरे पर जरूर मुस्कान आ गई। एयरपोर्ट पर अगर आप किसी का वेलकम करने पहुंचे और वो आपको देखकर अपनी चप्पलों से आपकी पिटाई कर दे तो आपको गुस्सा जरूर आएगा। ऐसा ही एक वीडियो इन दोनों जमकर वायरल हो रहा है, जहां एक शख्स अपने हाथ में गुलदस्ता और दूसरे हाथ में वेलकम प्ले कार्ड लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन उसे देखते ही एक महिला का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। देखते ही देखते महिला अपने पैर से चप्पल निकालती है और लड़के की पिटाई कर देती है। बच्चों के लिए सबसे महफूज जगह माँ की गोद ही होती है। ये सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि बेजुबानों के लिए भी है। एक नन्हे हाथी का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। ये बच्चा अपनी माँ से कुछ दूर एक दूसरे हाथी के साथ खड़ा है। आसपास खड़े कुछ लोगों ने जब शोर मचाया तो नन्हा हाथी डर गया। वो भाग कर अपनी माँ की गोद में पहुँच गया। नन्हे हाथी की यह हरकत लोगों को खूब पसंद आ रही है। इस दाढ़ी ने तो विश्व कीर्तिमान बना दिया। एक शख्स ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करने के लिए अपनी दाढ़ी की ताकत दिखाई। उसने करीब 64 किलो की महिला को अपनी दाढ़ी से बांधकर उठा दिया। दाढ़ी का यह कमाल इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। लोग इस पर मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं। इस डॉगी ने तो इंसानों की जिंदगी बचाने की पूरी ट्रेनिंग ले रखी है। उसकी प्रैक्टिस का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब शेयर किया जा रहा है। ट्रेनिंग देने वाला शख्स जमीन पर लेटा है, वो बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा है।
वीडियो में डॉगी उस शख्स को CPR देने की कोशिश कर रहा है। पर डांस धमाल और मस्ती के खूब वीडियो वायरल होते हैं। इन्हीं वीडियो में से एक ये वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स किसी शादी समारोह में डांस कर रहा है, लेकिन उसके डांस का अंदाज जरा हटकर है। क्योंकि ये युवक ढोल की थाप पर डांस तो कर रहा है, लेकिन लग ऐसा रहा है जैसे वो जिम में वर्कआउट कर रहा हो। ये नौजवान डांस के साथ साथ चेस्ट, ट्राइसेप्स जैसी अपर बॉडी एक्सरसाइज करता नजर आ रहा है। इसके इसी अंदाज की सोशल मीडिया में खूब तारीफ हो रही है। एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो माधुरी दीक्षित ने खुद अपने इंस्टा अकाउंट से शेयर किया है। इस वीडियो में माधुरी अपने फेवरेट डांस स्टेप को फॉलो करती दिख रही हैं। मजेदार बात यह है कि ये डांस स्टेप किसी हिंदी गाने पर नहीं बल्कि एक अंग्रेजी गाने पर है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है। ये वीडियो शेयर करने का मकसद खुद माधुरी दीक्षित ने कैप्शन में लिखा है, अगर मैं तुम होते #ReelsInstagram #TrendingReels। माधुरी दीक्षित के कैप्शन से ये साबित हो रहा है कि वो इन दिनों अपने चाहने वालों का दिल जीतने के लिए इंस्टाग्राम के ट्रेंडिंग रील्स को फॉलो कर रही हैं। एक बार की देखने में आपको ये वीडियो किसी फिल्म का हिस्सा लगेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फिल्म नहीं, सच्ची वाली रिंग सेरेमनी है। और जिसके रिंग हिस्सा है, पहली में वो हिंदी पंजाबी मिक्स गाने पर डांस कर रही है और दूसरे हिस्से में वो अंग्रेजी गाने पर डांस कर रही है। इन दिनों मनी के मांगे हिते सॉन्ग ने इंटरनेट पर जमकर धमाल मचाया हुआ है। बेहतरीन गाना गाते हुए एक छोटी लड़की का दिल छू लेने वाला ये वीडियो वायरल हो गया। और अब ये नेटिजन्स का दिल जीत रहा है। इसकी धुन इतनी मधुर है कि बार बार इसे सुनने का मन करेगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे चंद सेकंड के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक नन्हा बंदर और उसकी माँ एक पेड़ पर बैठे होते हैं। बच्चा कमजोर टहनी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। उसकी टांग पकड़कर माँ उसे नीचे उतारती है, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा होता है कि अगर बच्चा टहनी से गिर गया तो उसे चोट लग सकती है। ऐसे में माँ बच्चे की टांग पकड़कर उसे नीचे उतार देती है, जिसके बाद वो अपनी माँ के सिर को चूमता है और माँ भी उसे बड़े प्यार से पुचकारती है, जान बच जाती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी। वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक घर के मालिक ने अपना गेट बंद नहीं किया था। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर वहां एक चोर घुस आता है। इसके बाद चोर घर के अंदर इधर उधर देखता है, कहीं कोई है तो नहीं या उस पर किसी का ध्यान तो नहीं है। फिर चोर की नजर सामने खड़ी स्कूटी और साइकिल पर पड़ती है। इसके बाद चोर साइकिल लेकर तेजी से दरवाजे से बाहर निकल जाता है। हालांकि घर के मालिक ने चोर को चोरी करते हुए देख लिया था। वो अपनी साइकिल वापस लेने के लिए उसके पीछे भागता है। इसके कुछ देर बाद मालिक अपनी साइकिल वापस घर में ले आता दिखाई दे रहा है। चोर और मालिक की ये भागदौड़ CCTV कैमरे में कैद हो जाती है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर इस बंदर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये क्यूट बंदर अनोखा अंदाज दिखा रहा है, जिसे देखने के बाद आप भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बंदर ग्रीन कलर का यूनिफॉर्म पहने हुए है, जो साथ में पिंक कलर स्कूल बैग भी लेकर स्टूडेंट लुक में साइकिल से गोल गोल चक्कर लगाता दिखता है। उसकी इसी मस्ती के दौरान कई लोग इशारा भी करते हैं, लेकिन वो इग्नोर कर अपनी मस्ती में मगन रहता है।